नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज हिंदी में। मैं कुलदीप कुमार। मोदी सरकार के मंत्रियों के निशाने पर इन दोनों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अब एक विवादित बयान दिया है। एक बार फिर वे चर्चा में है। इस बार उन्होंने नागरिकता कानून के बहाने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई अराजकता को लेकर छात्रों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों का जेएनयू और जामिया में 10% आरक्षण करवा दें, वे सबका इलाज कर देंगे। उनसे ज्यादा 30,000 छात्र तो मेरे को बैठे समर्थन में मीडिया कम से कम नहीं दिखाए, इन हजारों छात्रों को दिखाए और नगर राजनीति से निवेदन करूंगा, ये जेएनयू और जामिया इसमें जो ये लोग है जो देश के विरोध में लड़ा करते हैं, इनका इलाज एक ही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का 10% रिजर्वेशन करवा दो, सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई नारा नहीं लगा पाएगा देश के खिलाफ नारा किसी की हिम्मत नहीं होगी फिर लगाने की। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की भूमि है, ये उनको भी संदेश है जो कानून का विरोध करते हैं। जब देश आजाद हुआ 60% मुसलमान थे और 20% है और पश्चिम उत्तर प्रदेश 50% और हिंदू 23% से 3% और मुसलमान 7% से 40% अंतर पड़ा है अपने आप देश में। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मेरठ में सीए को लेकर आयोजित की गई समर्थन रैली में कहा, मैं राजनाथ जी से निवेदन करूंगा जो जेएनयू और जामिया में देश के विरोध में नारे लगाते हैं, इनका इलाज एक ही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां 10% आरक्षण करवा दो, सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नारा नहीं लगा पाएगा देश के खिलाफ नारा लगाने की फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमि है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या में अंतर पर भी अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए करते हैं। सबका साथ सबका विकास, यह है हमारे प्रधानमंत्री का नाम, लेकिन कुछ ऐसे ताकते हैं जो कि हिंदू और मुसलमानों को बराबर बांट करके भारत में लंबे समय तक वह राजनीति करती रही हैं और सत्ता का स्वाद चखती रही हैं, लेकिन हम लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। हम लोगों ने इस नागरिक जो यह बिल था, इस बिल को भारत की संसद में लाकर हम लोगों ने पारित किया है। कुछ ताकतें इसका विरोध कर रही हैं जगह जगह। हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोल रहे थे, ये बता रहे थे, महात्मा गांधी ने भी 1947 में यह कहा था, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो गया। तो हमें इस बात की सावधानी बरतनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, यानी हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, यदि उनके ऊपर कोई जुल्म ढाया जाता है, उनका कोई धार्मिक उत्पीड़न होता है, तो उनके प्रति भारत की सरकार को संवेदनशील रहना होगा, यह महात्मा गांधी ने कहा। और जो मुस्लिम भारत का नागरिक है उसे कोई मां का लाल छू नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कुछ पार्टियां हिंदू मुस्लिम करके सत्ता का स्वाद चखती हैं, लेकिन हमारी पार्टी ऐसी नहीं है। पाकिस्तान में अगर अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न होगा तो भारत को संवेदनशील होना पड़ेगा। जो महात्मा गांधी ने कहा था वे हमारी पार्टी ने कर दिखाया। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज हिंदी। एनबीसी के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।